हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा क्या है, कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। ठीक है, जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वैसे तो हम जो भी हम हिंदू लोग हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो पूर्णिमा के दिन धार्मिक रूप से व्रत वगैरह लेते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें बौद्धत्व की, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। और जो ये बुद्ध पूर्णिमा है, जो कि 5 मई 2023 को पड़ रही है, ये बुद्ध पूर्णिमा 130 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इसी दिन चंद्रग्रहण भी है, उपछाया चंद्रग्रहण है, जो कि रात्रि 8:44 से रात के 1:01 में ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए इसका बहुत ही अधिक महत्व भी है, बहुत सालों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम क्या करें, कैसे इसे मनाएं? बुद्ध पूर्णिमा जो हम हिंदू लोग हैं, इनके लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे, जिनको पूरी दुनिया मानती है उनके कार्यों के लिए, उनकी सिद्धि के लिए, तो उनका जन्म जो हुआ था वो भारत में ही हुआ था। इसलिए हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, इसे हमें बहुत ही हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। किस तरीके से मनाएं? इस दिन हमें अपने घरों में दिए जलाने चाहिए, लाइटनिंग करनी चाहिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। और बौद्धों में ये नियम है कि इस दिन खीर बनाई जाती है। खीर बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए, अपने आप भी खाइए, परिवार में हर कोई खाइए, और अपने आस पड़ोस को भी दीजिए। उनको बोलिए कि हमने खीर बनाई है, हम बौद्ध की राह पर चलना चाहते हैं, और आप भी चलिए, और सब मिलकर गौतम बुद्ध का ये त्यौहार मनाइए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि गौतम बुद्ध जो थे वो विष्णु जी का अवतार हैं, तो इस दिन हमें विष्णु भगवान जी की प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह आप प्रातः उठ के किसी अगर पवित्र नदी है तो उसमें स्नान कीजिए, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, घर में गंगा जल मिला के पानी में उसमें स्नान आदि कर सकते हैं, उसके बाद विष्णु जी की प्रार्थना कीजिए। पीपल में जल चढ़ाना इस दिन शुभ माना जाता है। और पूजा का जो समय है वो है सुबह 11:51 से 12:45 तक का समय है, तो उस टाइम पे आप पूजा कीजिए, विष्णु भगवान जी की पूजा कीजिए, गौतम बुद्ध की का ध्यान कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम भी आपकी तरह शांति के मार्ग पे चल सकें और कोई जाति पक्षपात वगैरह ना करें। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वो लोगों को ज्ञान दे सकें, जाति भेदभाव जो लोग करते हैं उसको हटा सकें, पशु के प्रति जो दुर्व्यवहार करते हैं ये सब चीज़ें उनको हटा सकें, इसलिए गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसके ऊपर उन्होंने बहुत कार्य किए थे। और आप हो सके तो अवश्य इस दिन पंचशील का जो झंडा आता है वो झंडा अपने घर के ऊपर लगाइए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे पूछें कि ये क्या है, आपने कौन से देश का झंडा लगाया है, आपका उपहास करें, तो आप उन्हें भी ये बताइए कि ये गौतम बुद्ध का झंडा है। हर धार्मिक जो भी धर्म है उनके अलग अलग रंग के झंडे हैं, लेकिन जो गौतम बुद्ध का झंडा है वो 5 रंगों का झंडा है, क्योंकि वो किसी जाति धर्म को नहीं मानते थे। उनके लिए जाति का मतलब होता था जन्म लेना, जो भी जन्म ले रहा है वो सब एक ही जाति के होते हैं, तो वो किसी जाति धर्म को नहीं मानते थे। तो सबको बताइए कि ये पंचशील का झंडा है, 5 रंगों का झंडा है। आप तो पार्टीज़ के झंडे लगाते हैं, छोटे मोटे गली नुक्कड़ में तक सीमित है। पंचशील का जो झंडा है वो 65-70 देशों में, क्योंकि गौतम बुद्ध को मानने वाले बहुत लोग हैं, वहाँ लगाया जाता है। अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बनाइए और अपने घर में पंचशील का झंडा लगाइए। जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा जो है वो 4 मई को 11:44 रात्रि से 5 मई को 11:03 रात्रि तक लग रही है। ये बुद्ध पूर्णिमा का टाइम है। तो बेसिकली जो 5 मई है उस दिन पूरा बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। और पूर्णिमा के दिन हम हिंदू लोग वैसे भी व्रत वगैरह लेते हैं, चांद को अर्घ देकर ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो आप इस दिन व्रत लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, पीपल में अर्घ दीजिए, सफ़ेद वस्त्र पहनिए और खीर आदि बनाइए और भगवान बौद्ध का ध्यान कीजिए और उन्हीं की राह में चलने के लिए अपने आप को प्रेरित कीजिए। तो आशा है सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।